सर नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार गुड मॉर्निंग हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल बहुत 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 नए साल के उपलक्ष में आज मतलब 21वीं सदी का जो 21वां साल है, 21वीं सदी का जो 21वां साल है, और आज हम लोग सबसे लकी हैं, सबसे लकी आप सभी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को भी देख पा रहे हैं। सभी लोग सब लकी है कि आज हमारे बीच में सदी के महानायक टीसी सर हमारे बीच आए हुए हैं। और बिल्कुल टीसी सर का जो मतलब विजन रहा शुरू से ही, आर्थिक आजादी का जो अभियान दिया, और आर्थिक आजादी के अभियान में मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली, ऐसी जिंदगी बदली। और आज सुबह सुबह हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं जो जिन्होंने की चमत्कार किया है, पूरे इस दुनिया के अंदर चमत्कार किया है। और अभी तो एक शुरुआत है, अभी एक शुरुआत है, और अभी तो पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा सर कहते हैं कि शीश महल बाकी है और शुरुआत हो चुकी है। और हम सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं और टीसी सर आज हमारे बीच में आ भी चुके हैं और टाइम से पहले आ चुके हैं। और मुझे याद है कि बिल्कुल जब टीसी सर जब मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस को, तो बिल्कुल सर से जब जब भी मुलाकात हुई तब से सर का जो विजन देखा गया और सर की जो इस बिजनेस को लेकर के सच्चाई ईमानदारी और उसके साथ में आरसीएम बिजनेस की सोच, जिसमें कि स्वास्थ्य की सोच, स्वावलंबन की सोच, और सर ने उद्देश्य ऐसे बनाए जिससे कि नए भारत का निर्माण हो और सब लोगों में प्यार बढ़े, सब लोगों में उत्साह बढ़े, सब लोगों में मिलजुल करके काम करने की भावना बने और देश का विकास हो। तो देश की सोचने वाले इंसान और हम लोगों को उनका आज आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी जो एकेडमी मतलब भीलवाड़ा जब भी हम गए हैं, भीलवाड़ा के अंदर जब भी एकेडमी मिलती थी और सुबह का सेशन 7 बजे से जब शुरू होता था, तो उसका सब लोगों को इंतजार रहता था। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीलवाड़ा जाकर के सभी लोग सर के दर्शन करते थे और सर की वाणी सुनते थे सुबह सुबह की। और हम लोग सब लोग लकी होते हैं कि लकी है कि आज ऑनलाइन की वजह से हम हजारों लोग सर को सुन पाएंगे और सर का वीडियो जो है दिन भर बहुत ही ज्यादा लोग देख पाएंगे। और ऐसा हमें सर का आज हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और 2021 में मुझे भी ऐसा लग रहा, दिल से ऐसा लग रहा कि जितना आज तक हुआ है, जितना आज तक आरसीएम में 20 साल के अंदर जो हिंदुस्तान में कीर्तिमान स्थापित किए हैं और वो कीर्तिमान स्थापित किए हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा इसी साल में 2021 में होने जा रहा है। तो हम लोग बड़े लकी है, मतलब लकी है कि 2021 में एंटर कर चुके हैं और 2021 इतना बड़ा होने वाला है, जो दिल से एक आवाज आती है कि इतना बड़ा होने वाला है कि जो 20 सालों में नहीं हुआ वो इस साल होगा। और आप सब लोग आज जो भी मन चाहे लेवल चीजें हैं जीवन के अंदर, स्वास्थ्य है, उसके साथ में पैसा है, उसके साथ में काम करने के तरीके हैं, उसके अलावा जो जो भी नैतिकता की बातें हैं, वो सब टीसी सर से ही हमें पता चलती है और टीसी सर से ही हम सीखते हैं कि मतलब कैसे इंसान को एक बढ़िया इंसान बनना चाहिए। और बढ़िया इंसान बनाने के लिए और बिल्कुल वो सब बातें बताते हैं टीसी सर हमें। तो टीसी सर का हमें बहुत ही जबरदस्त आज मतलब टाइम मिल गया, ये बहुत बड़ी बात थी। मॉर्निंग का टाइम सर ने दे दिया और उसके लिए बिल्कुल हम सभी लोग जो है बड़े आभारी हैं कि सर ने आज हमें टाइम दिया है। और सर को बिल्कुल मैं जल्दी ही थोड़ी देर के अंदर ही मैं बुलाऊंगा। और काफी सीनियर लीडर भी आज हमारे बीच में आए हुए हैं, काफी सीनियर लीडर, एमराल्ड स्टार एमराल्ड, और सभी लोगों से फिर बाद में ही मुलाकात कर पाएंगे सब लोगों से। और सभी लोग बने रहे, लगातार बने रहे और एंड तक बने रहे। और वैसे हम एवरी मंडे 8 PM जे आरसीएम के नारे से हम लोग हमेशा मिलते हैं, एवरी मंडे 8 PM जे आरसीएम से, और आप सब लोगों से मुलाकात हमेशा होती रहेगी और सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, सभी लोगों को दिया जाएगा। और आज का जो टाइम है और टीसी सर का बहुत कीमती वक्त है, तो कीमती वक्त को जाहिर नहीं करते हुए बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और टीसी सर की जो है स्वास्थ्य की और टीसी सर के आशीर्वाद की बहुत
शुभकामनाएं देते हुए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, टीसी सर हमारे बीच में आ ही चुके हैं, तो टीसी सर को मैं इनवाइट करूंगा, और जी टीसी सर आ गए हैं तो टीसी सर को मैं इनवाइट करता हूं, आपकी जबरदस्त तालियों के साथ में, जबरदस्त उत्साह के साथ में, जबरदस्त इस क्या कहते हैं एक्साइटमेंट के साथ में, फोकस के साथ में, और लगातार बने रहने के बीच में मैं टीसी सर को बुलाता हूँ आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में। यदि टीसी सर आ गए हैं तो बिल्कुल मैं टीसी सर को ले लेता हूँ। जी सर, जय अर्चियम। हाँ जय अर्चियम सर, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। जी 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 सर, आज तो बिल्कुल सुबह सुबह जो होता है ना कि आपका जो आशीर्वाद मिलता था अर्चियम एकेडमी में, आज मिल गया सर हमें बिल्कुल। चलो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा मैं। नव वर्ष आज हमारा शुरू हो रहा है और इतना बेहतरीन तरीके से शुरू हो रहा है जिसकी मैंने भी पहले कोई योजना नहीं बनाई थी, ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था कि हमारा आज ये नया वर्ष इस तरह से शुरू होगा। ये तो अचानक एक फोन आया कि भाई हमें 1 तारीख को सुबह 7 बजे प्रोग्राम दो, और मैंने कहा 7 बहुत जल्दी हो जाएगा, सर्दी का समय है नहीं, बोले 7 बजे को दो, तो बड़ा अच्छा लगा। और मेरी तो आदत है ही सुबह के सेशन, जी सर, पर बहुत समय हो गया ये सेशन किए हुए, तो काफी समय हो गया कि लगभग 1 वर्ष ही होने आया है कि ये सेशन हुआ ही नहीं, पर चलो बहुत अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। और सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमें 2021 का जो है स्वागत बहुत बेहतरीन तरीके से करना है और इस वर्ष को ऐतिहासिक वर्ष बनाना है। जो 20 सालों में जो नहीं हो पाया वो 2021 में हमें करना है, और सभी की इच्छा भी है, जो भी बातचीत चल रही थी कि हम सब कुछ बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं और बड़ा करना भी चाहिए, बड़ा करने की स्थितियां भी है, परिस्थितियां भी है। तो बिल्कुल आज हम कुछ इस तरह की बातचीत करेंगे कि हम, क्योंकि हमारे पास जो अवसर है और जो जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी बोलूंगा, अवसर से ज्यादा जिम्मेदारी बोलूंगा, कि हमारी जो आज जिम्मेदारी है वो अब हमारे व्यक्तिगत जीवन के प्रति से बढ़कर राष्ट्र के प्रति हो गई है, कि हमें राष्ट्र की जिम्मेदारी है, हमें देश का जो बहुत सारी बातें हैं उन्हें हमें ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है, और हमारा तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा होना ही है कि जितना हम दुनिया के लिए अच्छा करेंगे उतना हमारा अच्छा हो ही जाएगा। पर एक ये बड़ा विषय है, मतलब ये कोई किसी के रोजगार का, किसी के इनकम का विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। तो मैं आज ये जो बातचीत करूंगा वो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई भी है, पर फिर भी थोड़ा विषय कुछ अलग रहेगा, हालांकि उसका एक कनेक्शन जरूर बनता है और उससे हमें सबको लाभ भी होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ये हिंट देना चाहूंगा कि थोड़ा विषय अलग होगा। और हमारे जो आरसीएम के उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जो है वो 3 उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। वो तीनों ही जो उद्देश्य है वो ग्लोबल उद्देश्य है, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये बहुत बड़े शब्द है, बहुत बड़ी जरूरत है देश को। देखो स्वास्थ्य के बिना जीवन में कुछ भी उपयोगी नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, चाहे एक इंसान के पास कितनी भी दौलत आ जाए, कितनी भी उसको और बहुत सारी चीजें मिल जाए, लेकिन अगर स्वास्थ्य उसका सही नहीं है तो वो सब उसके लिए व्यर्थ है। और एक इंसान का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और कुछ अभाव भी है तो भी उसका जीवन एक अच्छा बन सकता है, उपयोगी बन सकता है वो। तो स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है लाइफ का, और लोग आज के टाइम में स्वास्थ्य को इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा भूल रहे हैं, थोड़ा उससे विमुख हो रहे हैं, पर आरसीएम पुनः उस स्वास्थ्य की बात करता है, स्वास्थ्य के विषय पर काम करता है, स्वास्थ्य के विषय पर काम करना चाहता है। ये विषय आपको, हम सबको अच्छी तरह समझ में आता भी है। और दूसरा जो विषय है हमारा वो है स्वावलंबन का, और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक हमारा एक उचित तरीके से जीविकोपार्जन नहीं हो तो हमारा जो मन है वो उस चीज के प्रति
हट नहीं पाता है, उसी में लगा रहता है, तो वो भी होना बहुत जरूरी है कि एक आत्मनिर्भर जिसको हम बोलते हैं, और जो अपने इच्छा अनुसार कर्म करके अपने जीवन को अपने परिवार को पाल सके, वो भी लाइफ में बहुत जरूरी है। और आरसीएम उसकी भी व्यवस्था का एक तरीका कर ही रहा है, दे ही रहा है, हम सभी अच्छे तरह से जानते हैं। तो इन दो विषयों पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा आज, पर जो तीसरा विषय है कि नए भारत का निर्माण। अभी ये नया भारत क्या होता है, ये कहां से ये शब्द पैदा हुआ है, ये हमें थोड़ा समझने का विषय है। देखिए, एक राष्ट्र का निर्माण जो करते हैं वो उसके नागरिक करते हैं। सरकार की भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा नागरिकों की भूमिका होती है। और जिस देश के नागरिक सही दिशा में कार्य करते हो और सही सोच के साथ जीते हो, उस राष्ट्र को अच्छा बनना जरूरी है, वो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिस राष्ट्र के नागरिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, उस देश की सरकार कितना भी कुछ भी कर ले, वो देश कभी अच्छा हो नहीं सकता है, वो राष्ट्र कभी अच्छा हो नहीं सकता। और जो राष्ट्र अच्छा नहीं हो सकता है, उसके नागरिक कभी भी खुश नहीं रह सकते, वो सुखी नहीं रह सकते, वो सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आखिर हमें जीना तो हमें देश में है, और देश की परिस्थितियां हमें हमारी कई बातों को प्रभावित करती है। इसीलिए आरसीएम में ये मकसद, ये उद्देश्य लिया गया है, नए भारत का निर्माण। अब इस भारत के बारे में कुछ चीजें मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा, और यहाँ कुछ जो चीजें हैं वो बदलने की बहुत सख्त आवश्यकता है। यहाँ के नागरिकों में, यहाँ के जो एक सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बदलनी है, बदलने की जरूरत है, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ये विषय थोड़ा अलग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस विषय को समझेंगे तो हमें हमारे काम में सफलता ज्यादा मिलेगी। तो इस देश की कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो थोड़ा हम समझेंगे तो हमें सबको लगेगा कि हाँ, यहाँ इन दिशाओं में काम करना हमारे अपने लिए भी जरूरी है। चलो हम देश की बात छोड़ भी दें, समाज की बात छोड़ भी दें, तो हमें अपने आप के लिए भी ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के नागरिकों में एक जो प्रवृत्ति है, एक जो सोच है, उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी है। भारत का नागरिक में आत्मविश्वास की कमी है, उसे विश्वास नहीं है कि मैं अपने पांव पर खड़ा होकर अपने दम पर अपने जीवन को ठीक से गुजार सकता हूं। एक नकारापन जैसा हो गया है, एक दूसरों पर निर्भरता से जीने की आदत सी हो गई है। कोई कोई मदद करेगा तो हम ठीक से चल पाएंगे, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे, और ये सबसे बड़ी समस्या है देश की। हम देश को चलाने वाले नागरिक जो है वो देश को चलाने वाले होते हैं, देश नागरिकों को नहीं चलाता है, नागरिक देश को चलाते हैं। और जब देश के नागरिकों का खुद का विश्वास ही खत्म हो जाए तो उस देश की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती है। आप सभी, हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आरसीएम में क्या सिस्टम है। आरसीएम हर इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि तुम कुछ कर सकते हो। आरसीएम कभी ये नहीं कहता कि तुम नहीं कर सकते हो, आरसीएम तुम्हें सपोर्ट करेगा तो तुम चल जाओगे। आरसीएम कहता है कि नहीं, तुम में वो क्षमता है कि तुम केवल अपना जीवन नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी चला सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, सब्जेक्ट के बहुत सारा लंबा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा। परी, आप खुद ये बात सोचिए कि अगर इस देश के नागरिकों से वो चीज बदल जाती है, उनमें एक भरोसा आ जाता है कि नहीं, हम कोई मजबूर नहीं है, हम लाचार नहीं है, हम किसी की मदद के भरोसे जीने वाले नहीं है,
ये तो इंसान की बहुत बड़ी तोहीन है कि तुम्हारी कोई मदद करेगा तो तुम जी पाओगे, नहीं तो नहीं जी पाओगे। नहीं, इंसान इस धरती की सबसे महान कृति है, परमात्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा ने जो भी इस धरती पर बनाया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बनाया इंसान को। तो इंसान इतना गिरा हुआ नहीं है, इंसान एक शक्तिशाली है, ये दुनिया को बदलने वाली ताकत रखता है। और जब तक ये विश्वास नहीं आएगा, आप बताओ क्या कोई मदद करके उस इंसान की प्रोग्रेस कर सकता है? इंसान अपने कर्मों से अपनी प्रोग्रेस कर सकता है, अपने कर्मों से ऊपर जा सकता है, अपने कर्मों से बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन मदद लेके क्या कर सकता है? मदद लेके तो जैसे तैसे जीवन ही गुजार सकता है। और हम सभी लोग जब सफल होना चाहते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। और आरसीएम मुझे लगता है और मुझे विश्वास है इस बात का, और आप सब लोगों को भी पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस विषय पे बहुत बड़ा काम करते हैं। आरसीएम में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे साथी हैं, जो लोग इस सोच से जीते थे कि हमारे को यार कोई चला देगा, कोई मदद कर देगा तो हम चल जाएंगे, लेकिन आज आरसीएम में आकर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अब उन्हें वो सोच नहीं आती है, अब उन्हें वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब वो खुद पर इतना विश्वास करते हैं और आज वो कई लोगों की मदद करने के लायक बन चुके हैं। तो ये जो स्टोरीज है ये हमें बहुत कुछ मैसेज देती है, और मैं यही चाहता हूं कि ये स्टोरी चंद नहीं रहे, बल्कि हम इस काम को इतना व्यापक करें, इतना व्यापक करें, इतना व्यापक करें कि जो आनंद हमें किसी पिन को प्राप्त करने से नहीं होता है ना, उससे कई गुना आनंद हमें इस बात से प्राप्त होगा कि हम इस देश के लोगों के आत्मविश्वास को लौटा पाए। और जिस दिन ज्यादा संख्या में लोगों का आत्मविश्वास लौट जाएगा, उस दिन ये देश अलग हुआ। आज क्या होता है कि यहाँ के अधिकांश लोग जो है वो कर्मशील नहीं है, और सभी इधर उधर से इंतजार में बैठे रहते हैं। तो इंतजार में बैठे रहते हैं तो अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ती है, आप समझ सकते हैं इस बात। ज्यादा लोग एक परिवार में अगर 10 लोग खाने वाले हो, एक कमाने वाला हो, तो वो परिवार अच्छा चलता है, या वो परिवार अच्छा चलता है जी 10 लोग में 10 ही लोग कमाने वाले हो या 5 लोग कमाने वाले हो? डेफिनेटली हम अच्छी तरह समझते हैं कि जिसमें ज्यादा लोग कमाने वाले हो वो परिवार अच्छा चलता है। तो एक राष्ट्र में कमाने वाले कम लोग हो और खाने वाले, बैठ के खाने वाले, किसी के भरोसे जीने वाले लोग ज्यादा हो, तो वह राष्ट्र संपन्न कैसे हो सकता है, वह सफल कैसे हो सकता है? तो लोगों में आत्मविश्वास लाना, लोगों को कर्मशील बनाना, ये इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। ये विषय स्वावलंबन में भी आता है, लेकिन ये नए भारत के निर्माण का मुख्य एक सब्जेक्ट है कि लोगों के आत्मविश्वास को जागृत करना। दूसरे विषय पर मैं आऊंगा, आत्मविश्वास नहीं होने की वजह से लोग की जो प्रवृत्ति है ना वो कुछ सिस्टमेटिक ही नहीं है, मतलब डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, कुछ सोच नहीं है, कुछ कुछ निश्चित नहीं है। मैं अधिकांश देखा है इस देश में, इस लोगों का कुछ निश्चित ही नहीं है, कोई कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई निर्धारित मापदंड नहीं है, मुझे क्या करना है ये निश्चित नहीं, अधर झूल में चल रहे हैं, क्योंकि विश्वास नहीं है ना। तो विश्वास नहीं होता तो वो खुद से वो कुछ हो नहीं पाता है। तो अनुशासनहीनता अपन इसको कहेंगे, अनुशासनहीनता बहुत है। आप खुद भी महसूस करते होंगे इस बात को कि लोगों को कोई एक अपना एक नोटेड शीट नहीं है, एक एक चार्ट नहीं है कि मुझे इस दिन ये करना है,
इस महीने ही करना है, इस साल ही करना है, ये मेरे निश्चित मापदंड है, ये मेरे लक्ष्य है, ये मेरे एक्शन प्लान्स है, और ये तो होंगे होंगे निश्चित रूप से। ये बहुत कमी है, और जब तक ये कमी रहेगी ना, तो हम क्रिएटिव नहीं हो सकते, हम रचनात्मक नहीं हो सकते हैं, और हमारा योगदान नहीं होता राष्ट्र के प्रति, क्योंकि हम तो खुद ही इधर उधर है। और ये होना बहुत जरूरी है। कई कंट्रीज में आप देखते होंगे कि वहां के लोग बहुत अनुशासनबद्ध होते हैं, वो किसी भी चीज को पुनः स्थापित कर लेते हैं। आपको मैं जस्ट एक उदाहरण दूंगा कि जैसे कुछ जापान या जर्मनी जैसे राष्ट्र है, जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो खत्म हो जाते हैं तूफान वगैरह की वजह से या जैसे, तो वो बहुत जल्दी वापस उसको क्रिएट कर लेते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं रहता कि उसकी वजह से। और तो वहाँ के लोगों में क्या एक कमिटमेंट है, एक अनुशासनबद्धता है, एक निश्चित है, उनका निर्धारित है कि हम ये करेंगे। हमारे यहाँ क्या निर्धारित नहीं है कुछ, लोग ऐसा फ्री चलते हैं। तो आरसीएम ये चीज भी बहुत अच्छी तरह से सिखाता है लोगों को कि आप अपना एक डिसिप्लिन बनाइए, आपको ये तो करना ही है, यहाँ पे एक टारगेट सेट करना, उस पर निश्चित काम करना, ये एक बहुत बड़ी सीख है अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। एक मिनट के लिए तीसरा जिसे मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, हमारा जो धर्म की जो बात करते हैं हम यहाँ पे, सबसे ज्यादा लोग धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब 100%। लेकिन धर्म यहाँ चर्चा में बहुत है, एक्शन में बहुत है, लेकिन धर्म को कर्म से अलग कर दिया गया है। मतलब जब धर्म कर रहा है तो कर्म का होना जरूरी नहीं है, और जब कर्म कर रहा है तो धर्म का होना जरूरी है, और ये सबसे बड़ी विसंगति है। सत्य ये है कि जो हमारा कर्म है वही धर्ममय होना चाहिए, जो कर्म है उसमें नैतिकता होनी चाहिए, वो मूल्य आधारित होना चाहिए, दूसरों के उपकार पर आधारित होना चाहिए, दूसरों का बुरा करने में इंसान को अधर्म महसूस होना चाहिए कि मैं दूसरों का बुरा कर रहा हूं तो यह अधर्म है, ये पाप है, दूसरों का दिल दुखा रहा हूं तो यह धर्म है, दूसरों के लिए अच्छा कर रहा हूं तो यह धर्म है, प्रेम होना चाहिए आपस में, भाईचारा होना चाहिए, यही धर्म है। पर हमारे यहाँ क्या है कि बाकी जीवन में कुछ भी करेगा और कर्म के नाम पर एक अलग एक्टिविटी चलती है, बड़े स्तर पे चलती है, बहुत व्यापक, और ये देश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा धार्मिक है, और दूसरी तरफ हम अधार्मिक से भी ज्यादा बुरे बन जाते हैं कई चीजों में, तो इससे क्या होता है, इसमें देश में पापाचार बढ़ता है, मतलब नफरत, लड़ाई, झगड़े, शोषण, कुछ भी, मतलब उसके परिणाम बहुत बुरे ही बुरे बुरे परिणाम है, और ये इतना स्प्रेड हो चुका है ये चीज कि इसको दूर करना भी बड़ा मुश्किल है। और ये कहना कि बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता कहने में, पर कई बार हम ऐसे बातें भी सुनते हैं जो जिनको हम हमारे गुरु मानते हैं, उन वो भी कभी कभी बहुत, मतलब वो बात कहने में ही अच्छी नहीं लग रही, कहना भी नहीं चाह रहा हूं मैं, पर आप बात को समझ गए होंगे इशारों में। तो ये चीज को तो ठीक करना ही है, कर ही लेना चाहिए, नहीं तो हमारी दुर्गति सुनिश्चित है।
और आरसीएम में जो भी पूरा सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं अपने आप की, लेकिन सिस्टम है ये दूसरों की उन्नति पर निर्भर करता है कि एक इंसान को आगे बढ़ना है तो वो दूसरों के लिए सोचे, दूसरों को आगे बढ़ाए, दूसरों से प्रेम करे, दूसरों की सेवा करे, दूसरों की मदद करे और अपनी उन्नति से पहले दूसरों की उन्नति का ख्याल करे। तो ये धर्म नहीं है तो क्या है? और हमको वो जरूरत नहीं भी, हमको सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि हमारा आरसीएम धार्मिक कार्य है, पर फैक्ट तो है ना। एक विषय में और चर्चा करना चाहूंगा, वो है राजनीति, और जिस पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। राजनीति बोलते सबको अपने आप बात समझ में आ जाती है कि क्या हालात है राजनीति, लोगों को बांटने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और जितनी भी गलत चीजें हैं वो सब उस नाम पे होती। राजनीति गिरती जा रही हिंदुस्तान की, वो पहले वाले नेता कहाँ गए, वो पहले वाला देश कहाँ गई, वो पहले वाली बातें कहाँ गई, अभी तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। तो वो भी बड़ा एक फिर एक सब्जेक्ट आ जाता हमारा शिक्षा का। शिक्षा बहुत जरूरी होती है जीवन में और शिक्षा से ही इंसान बड़ा बनता है, पर हमारे यहाँ शिक्षा हम लेते हैं सफल होने के लिए और सफलता का पैमाना जो हमने बना दिया है वो बना दिया है कि आप दूसरों को, मैं इस शब्दों को कैसे बोलूं कि दूसरों को आप मिसगाइड करके और ज्यादा अर्न कैसे कर सकते हो, इसको सफलता कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस देश में बदलनी है, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है छोटे छोटे, पर इस देश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बदलनी है। अभी ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, हम क्यों इन बात चर्चा करें इन बातों पर, ये मैं यहाँ पे थोड़ी इसको आपको बहुत एक्सप्लेन करना चाहूंगा। और मैं एक्सप्लेन से ज्यादा ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों को आप अपने मुख्य एजेंडा में रखिए, इसको एजेंडा से बाहर नहीं करना है, नहीं तो हम आरसीएम के द्वारा बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में आप जितना बड़ा उद्देश्य रखेंगे उतने ही आप शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही आपका काम का जो जो पावर है ना, जो काम में जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा। अगर आपका उद्देश्य व्यक्तिगत होगा तो आपका एनर्जी लेवल ज्यादा नहीं होगा, आपके अंदर की जो परमात्मा ने शक्तियां दी है ना वो उभर कर नहीं आएगी। इंसान स्वयं के लिए ज्यादा करने योग्य नहीं बन पाता है, लेकिन वह जब बड़ा उद्देश्य लेकर चलता है ना, वो जब राष्ट्र की बात सोचता है तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती है। और आप जानते हो आरसीएम करने के लिए शक्तियों की जरूरत होती है। आरसीएम एक तरफ करने में बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत सारी शक्तियों की जरूरत होती है, अंदरूनी शक्तियों की जरूरत होती है। आपको लोगों को आपने साथ जोड़ना है, लोग ऐसे नहीं जुड़ेंगे आपसे, आपके अंदर कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आप उनके भले के लिए जीते हैं, तो आपके साथ जुड़ेंगे लोग, आपके साथ टिकेंगे, आपके कहे अनुसार कार्य करेंगे। लोगों को लगेगा कि इंसान केवल अपने लिए चलता है, अपने वास्ते करता है, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़े रहेंगे। अब ये बात लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी अभी आप बिल्कुल लिंक हो रही है ना, देश की अच्छाई के लिए है जरूरी कि हम धार्मिक तरीके से जिए। धार्मिक तरीका क्या है? कि आप दूसरों के लिए सोचें, दूसरों की अच्छाई के लिए काम करें, दूसरों से प्रेम करें। और आरसीएम का तरीका क्या कहता है?
कि अगर आपको बड़ी पिन चाहिए, आपको बड़ी सफलता चाहिए, तो आप दूसरों के लिए सोचो। तो बात लिंक है, बात रिलेवेंट है। तो निश्चित रूप से हमें अपने स्वभाव को ऐसा बनाना लेना चाहिए कि हम पूर्णतया धार्मिक बन जाएं, हम दूसरों के लिए सोचने लग जाएं, हम दूसरों के लिए जीने की हमारी आदत हो जाए, तो दोनों बातें परिपूर्ण होती है। हमको जो हम धर्म करने की इच्छा प्रतिदिन रखते हैं, हम परमात्मा से निकटता की इच्छा रखते हैं, हम परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं, वो भी आपकी पूरी होती है और आपकी सांसारिक सफलता भी पूरी होती है, तो दोनों बातों का कनेक्शन बिल्कुल है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में से हटा देनी है कि नहीं, हमें धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है। धार्मिक बनना है, पर सही तरह का धार्मिक। और आरसीएम करने के लिए आप सोच सोच के कि ये मेरे काम का है, इसलिए मैं इससे संबंध रखूं, इससे मीठी बात करूं, और ये मेरा काम का नहीं है तो मैं इससे मीठी बात नहीं करूं, ये धार्मिक स्वभाव नहीं है। और जब धार्मिक स्वभाव नहीं होता तो इंसान चूक कर जाता है, उसको पता नहीं होता है कि ये काम के सभी है, सभी कभी भी कोई भी इंसान काम आ सकता है। तो वो कुछ लोगों से अच्छा बर्ताव कर लेता है, कुछ से गलत बर्ताव कर लेता है। कभी कभी वह गणना, उसकी गलत कैलकुलेशन में वह अपने फायदे के लिए दूसरों का मिसयूज करने की सोच लेता है, कुछ ऐसी प्लानिंग कर लेता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि स्वभाव में धार्मिकता नहीं है, कर्मों में भले ही होगी, स्वभाव में नहीं है। और जब तक स्वभाव में नहीं है, कर्मों की धार्मिकता कुछ काम आने वाली नहीं। तो सारी चीजें बहुत सहज सरल हो जाती है कि आप आरसीएम दिल से कीजिए, स्वभाव को धार्मिक रखिए कि कोई हो, मुझे सबसे संबंध अच्छा रखना है, सबसे प्रेम करना है, मेरी डाउनलाइन का, मेरी अपलाइन का, दूसरों की डाउनलाइन का, आरसीएम का, बिना आरसीएम का, पूरा राष्ट्र का, हर व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, व्यक्तियों को खुश देखते हुए मुझे अच्छा लगता है, व्यक्तियों के लिए कुछ भी मैं कर पाऊं तो मुझे अच्छा लगता है, ये नेचर जिसका है, मैं गारंटी लिख के देता हूं उसका आरसीएम अच्छा चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। दुनिया की कोई ताकत उसके आरसीएम अच्छे चलने को रोक नहीं सकती है, क्योंकि उसमें एक जिम्मेदारी की भावना आ जाती है, वो दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता है, वो जिम्मेदारी उसको कर्मशील बनाती है, उसको अनुशासनबद्ध बनाती है, उसके काम निश्चित रहते हैं, उसको पता है मेरी लापरवाही किसी और के जीवन पर प्रभाव डाल सकती है, तो वह जिम्मेदार बन जाता है, वह अनुशासित हो जाता है, वह धार्मिक हो जाता है, वह आरसीएम जैसा हो जाता है जैसा आरसीएम को चाहिए। तो नए भारत का निर्माण की बात आपको समझ में आ रही होगी कि नए भारत का निर्माण ऐसा है कि इस नागरिकों को जैसा होना चाहिए वैसी आदतों में, वैसे स्वभाव में परिवर्तित करना, यही नए भारत का निर्माण है। बाकी और नए भारत का निर्माण नहीं है। लोगों को में आत्मविश्वास पैदा करना कि यहाँ के लोग में आत्मविश्वास हो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं केवल अपना जीवन नहीं चला सकता हूँ बल्कि मैं दूसरों का जीवन भी, मैं भी अपने योगदान दे सकता हूँ, ये आत्मविश्वास उसमें पैदा होता है। वह एक अच्छा इंसान बनता है जिससे स्वयं संतुष्ट होता है। तो इसी को कहते हैं नया भारत का निर्माण। तो आरसीएम के जो तीन उद्देश्य है वो आपको बहुत स्पष्ट हो रहे होंगे और कितना मजबूती से हमें काम करना चाहिए इन उद्देश्यों पे, ये आपको लॉजिकली अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य कितना जरूरी है इंसान के लिए, स्वास्थ्य ही सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ अच्छा लगेगा, इसीलिए आरसीएम स्वास्थ्य पे ज्यादा काम करता है। स्वावलंबन इन सब चीजों का बाई प्रोडक्ट है ही, और नए भारत का निर्माण कितना इम्पोर्टेंट है ये आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
हाँ, जितना हम कम रुचि लेंगे इस विषय पे उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। हमें केवल ये सोच बदलनी है ना, लोगों की, अपनी सोच बदलनी और लोगों की सोच बदलनी, कि ये टीम वर्क है ना, और ये पूरा देश ही टीम है। स्वभाव को अच्छा बनाओ, प्रेम करने वाला बनाओ, बाकी सब चीजें अपने आप होगी। अभी हम अपनी टीम के लिए काम करते हैं, अपने ग्रुप के लिए काम करते हैं, और दूसरे ग्रुप को खराब करने में संकोच नहीं करते हैं। सपोज मैं फॉर एक एक एग्जाम्पल, क्योंकि हम उस मूल बात को नहीं समझ पाए, दूसरों की टीम को खराब कर सकते हैं, ये हमसे हो सकता है, और अपनी टीम के लिए हम कुछ अच्छा सोचते हैं। किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी कस्बे में आपका बिजनेस है, अब वहां पर आप दूसरों की टीम को कमजोर करने का या खराब करने का, ये एग्जाम्पल है ना, ये कोई हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई करता है। अब वहां पे कोई हमारा आरसीएम का सेंटर है, डिलीवरी सेंटर अंडरवर्ल्ड है, वहां पर एक ग्रुप के लोगों को सपोर्ट किया जाता है और दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है। तो मुझे बताइए, क्या वह अंडरवर्ल्ड अच्छी सेल ला पाएगा? क्या वह सफल होगा? कभी नहीं हो सकता है, उसकी सेल ही नहीं बढ़ेगी। और उसकी सेल नहीं बढ़ेगी जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है, उस टीम को क्या उस जगह पे अच्छा वातावरण मिल पाएगा? क्या आरसीएम आरसीएम का एक अच्छा ब्रांड बनेगा वहां? क्या वहां के रहने वाले लोगों में आरसीएम के प्रति एक अच्छी इमेज बनेगी? क्योंकि आरसीएम इतना पॉपुलर ही नहीं होगा ना, ज्यादा बड़ा ही नहीं, बढ़ ही नहीं पाएगा, एक लिमिटेड सेल। तो दूसरे ग्रुप की इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी अपने ग्रुप की है। सारे ग्रुप, जहां ज्यादा ग्रुप होते हैं वहां बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होता है और सभी का चलता है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अपनी टीम को भी सपोर्ट करना, हमें दूसरे की टीम को भी यथायोग्य जहाँ जरूरत हो सपोर्ट करना, खराब तो करने की सोचना भी नहीं है, तभी तो आपका चलेगा। मेरा चलने के लिए दूसरे का चलना बहुत जरूरी है, ये बात हमें समझ में आना बहुत जरूरी है, और ये है धार्मिकता की बात। तो धार्मिकता को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। धार्मिकता को बोले कि इसमें हमें आरसीएम करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे नहीं चल सकता है। आरसीएम करना तो हमें धार्मिक होना पड़ेगा, और इस पूरे देश को धार्मिकता में ला पाए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी ना। तो कुछ जो बातें डायरेक्टली और कुछ बातें इनडायरेक्टली आपको स्पष्ट हो रही होगी। अब मुद्दा ये है कि हम आरसीएम से कितना कर लेंगे, ऐसा एक ख्याल आ रहा होगा सबके मन में कि हम आरसीएम से कितना कर लेंगे। आरसीएम तो तैयार है, आरसीएम तो तैयार है कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जाए, पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, पूरा सिस्टम उसी तरह से है, सिस्टम का डिजाइन उसी तरह से। लेकिन वाकई में इस काम को करना तो हमें सभी को अपनी व्यक्तिगत सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। व्यक्तिगत सोच का सिस्टम ही नहीं है, ये राष्ट्रीय सोच का सिस्टम है, और राष्ट्रीय सोच से करेंगे और बड़ा होगा तो हमें नुकसान तो नहीं हो सकता, व्यक्तिगत नुकसान तो नहीं होगा। बस इसके लिए दिल थोड़ा बड़ा चाहिए, पूर्ण रूप से धार्मिकता चाहिए, पूर्ण, अपूर्ण नहीं, चालबाजी वाली नहीं चाहिए, शब्दों की नहीं चाहिए।
शब्दों में धार्मिकता लाके है, कर्मों में धार्मिकता लाके है, संतुष्ट होना चाहते हैं लोग, वो नहीं चलता है। ये अंदर की बात है पूरी, वो एक एक कर्म में आपको समझाई नहीं जा सकती। इंसान अंदर से 100% धार्मिक हो, वो प्रेम करना सीखे, वो पूरे जगत से प्रेम करे, और ऐसे कुछ लोग भी आरसीएम में खड़े हो जाएंगे, एक बार 1000 लोग भी आरसीएम में ऐसे खड़े हो जाए जो निस्वार्थ भाव से प्योरली प्योरली प्योरिटी बहुत जरूरी, धार्मिकता में इम्प्योरिटी नहीं चलती है। यही हमारे राष्ट्र में यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, यह धार्मिकता भी प्योर नहीं है, उसमें भी मिलावट है, और मिलावट जिसमें है वो धार्मिकता नहीं हो सकती। 1000 लोग आरसीएम में होके प्योरिटी से काम करे तो मुझे वो सारा समीकरण और सारी बातें समझ में आती है कि देश में एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हो, बहुत बड़ी। पर वो जो प्योरिटी है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है, वो क्योंकि इस दुनिया में जो नकलीपन इतना भर चुका है, धार्मिकता के नाम पे क्या क्या हो रहा है, और लोग किसको धार्मिकता समझ के अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं, ये सारी गलतफहमियां दूर करना बहुत जरूरी है। भगवान आपका इंतजार नहीं कर रहा है कि मेरे यहाँ के नतमस्तक क्यों नहीं हो रहा है, भगवान तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे जो मैं इनसे चाहता हूं वैसा जीना कब शुरू करेंगे। इंसान से इंसान तो प्रेम नहीं कर रहा है और मेरे यहां आकर और चिल्ला चोट कर रहा है, ये भगवान की तो इच्छा नहीं है, भगवान की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान को कोई इंतजार नहीं है कि आप वहां जाके और कुछ करोगे तो उनको भगवानियत महसूस होगी, वो तो भगवान है। हमें अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है ना, उसको ख्याल करना है। और हम जो बिजनेस करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो बिजनेस है, ये कर्म है, पर मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कर्म को इस तरीके से किया जा सकता है कि सबसे बड़ा धार्मिक काम कृत्य हो सकता है। किसी भी बिजनेस को, आपके जीवन में किसी भी कर्म को इस तरीके से किया जा सकता है कि वह बड़े से बड़ा धर्म हो सकता है। और आज इस नए साल की प्रातःकाल की वेला में हमारी जो मुलाकात हुई है, तो मैं एक ही दिशा में आपको आकृष्ट करना चाहता हूँ, आपके जहन में एक बात बिठाना चाहता हूँ कि हमें आरसीएम करने के लिए, बल्कि आरसीएम तो बात की बात हो गई, हमें इस राष्ट्र को अच्छा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी से धार्मिक होना है, बाकी चीजें तो स्वतः घटित हो जाएगी। इंसान का जो रचना है ना, इस संसार की रचना में ये सिस्टम बनाए नहीं कि हमें अपने लिए सोचना पड़े, हमें दूसरों की उन्नति में खुशी महसूस होनी चाहिए और दूसरों की अवनति में दुख। तो हमारे सारे एक्शंस अपने आप ठीक हो जाएंगे, हमारे सारे कृत्य सुधर जाएंगे। और आज हम मिले हैं तो ऐसा कोई परिवर्तन आ पाए तो हमारी मुलाकात का कुछ लाभ होगा। हमारे शब्दों से हमें अच्छा नहीं बनना है, हमारे सोच से हमें अच्छा बनना है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आरसीएम में मेरा जो आकर्षण है वो इसी विषय को लेकर है कि मुझे लगता है कि आरसीएम के माध्यम से कुछ बदलाव लाया जा सकता है, इसीलिए आरसीएम में एनर्जी मेरी काम करती है, इसीलिए आरसीएम करते हुए अच्छा लगता है, और इसीलिए आरसीएम
में कुछ भी करने में कभी भी आलस्य नहीं आता है, कभी भी संकोच नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी का केंद्र बहुत बड़ा है, मकसद बहुत बड़ा है। और मैं आपको भी ये दावा करता हूं कि आप भी बड़ा मकसद लेंगे तो आपसे बड़े काम हो जाएंगे। लेके देखिए आप, आपकी योजनाएं बदल जाएगी, आपके तरीके बदल जाएंगे, आपके कमिटमेंट बदल जाएंगे, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आपने जो काम सोच लिया और जो बोल दिया वो आपसे होके रहेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप अभी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, पर अभी भी बहुत गुंजाइश है कुछ बदलने, अभी भी बहुत स्कोप है बदलने का। उस अल्टीमेट लेवल तक जाके देखिए आप एक बार। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं उस तक पहुंच गया हूं, मैं भी उसी यात्रा में हूं, ये यात्रा है हमारी। और कोई भी इस जीवन में पूर्ण नहीं है, पर जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना हम बेहतर बनते जाएंगे। तो जो ये आरसीएम का डिजाइन है ना, वो डिजाइन के अनुसार तो हम सबकी जो आवश्यकता है कि हम धार्मिक बने, प्योर बने, पवित्र बने, प्रेमी बने। आप खुद ही कल्पना करके देखिए, आरसीएम का बहुत बड़ा परिवार है, लाखों में, और ये सारे लोग हमेशा इस बात के लिए सोचते रहे क्या मेरे को दूसरों के लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, दूसरों को अच्छा करना है, तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, एक्शन भी बढ़ेंगे, आलस्य खत्म होगा, निश्चित वर्क चार्ट बनेगा, ये काम तो मुझे करना ही है। आरसीएम में करना क्या है, आरसीएम में लोगों से बातचीत करनी है, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, प्रोडक्ट की बात करनी है, प्रोडक्ट की बात करनी होती है तो प्रोडक्ट के लिए सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो जैसे ही ये समझ में आएगा कि ये जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, मैं तो समझ रहा था कि ये केवल बिजनेस वॉल्यूम प्राप्त करने का तरीका है, नहीं नहीं ये तो बहुत बड़ा उद्देश्य है, इससे तो राष्ट्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो मुझे एक बात बताइए, आपकी जो प्रोडक्ट की नॉलेज का जो लेवल है वो इतना ही रहेगा जितना अभी है या उससे अपने आप बढ़ जाएगा? आप कहीं से भी उन चीजों को खोज लाएंगे, आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा और आपका बताने का तरीका भी बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है ना वो चीजों को बदलता है, मकसद इंसान की जो पहचान है उसके मकसद से होती है, वो किस मकसद के लिए जीता है, और इंसान के काम करने में जो गुणवत्ता आती है, गुणवत्ता वो आती है उसके मकसद से। मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं 2000 से पहले जो काम करता था तो मेरी काम की गुणवत्ता आज के मुकाबले बहुत कम थी, नहीं के बराबर। मैं मेरे को परिवार में कमजोर सदस्य के रूप में जाना जाता था, मेरी ये पहचान होती थी, लेकिन मुझे जीवन में एक मकसद मिल गया 2000 में आरसीएम, और जैसे आरसीएम में मकसद मिला तो मेरी काम की गुणवत्ता एकदम चेंज होती गई होती गई होती गई। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि मैं वो अपने आप में वो देख पाया जिसके बारे में मैंने ही कभी नहीं सोचा था,
मैं खुद ही स्वयं को नहीं जानता था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ऐसा इतना सब कुछ संभाल सकता हूँ। ये मकसद ने मुझे क्या से क्या दे दिया। मकसद छोटा होगा तो हम अपनी क्षमताओं को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और मकसद आप बड़ा लेकर चलो तो बीच में थकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मकसद बड़ा है, हासिल होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये सब परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। हमारा काम है उस मकसद पर टिके रहना और उस मकसद के लिए अपना सर्वस्व लगाते रहना। और मैंने एक बहुत गहरी चीज अनुभव की कि हर बार ये विचार आता है कि यार अपन ने तो इतना कुछ कर रहे हैं अर्जुन के लिए, जितना तो कभी कुछ भी नहीं करते, इससे ज्यादा कर रहे हैं। पर उसी के बाद दूसरा विचार ये आ रहा है कि अभी तो तुम और भी बहुत कुछ कर सकते हो, एंडलेस है। और एक नई शक्ति आ जाती है, नया कुछ करने का विचार पैदा होता है, नहीं अभी तो बहुत कुछ कर सकते हो, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो तुम यहाँ पे कुछ कमजोर पड़ रहे हो, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है, बहुत बड़ी ताकत आ जाती है और बहुत कुछ हो जाता है। तो मकसद बड़ा होने के दो बहुत बड़े लाभ मैंने देखे हैं, आपको लाभ लेने हो तो आप भी ले सकते हो, कि बड़ा होने से हम अपनी क्षमताओं को उभार पाते हैं। हमने जो नहीं जाना है, नहीं देखा है, वो बहुत कुछ अंदर दबा हुआ पड़ा है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, वो उभर कर आता है। और मकसद जब बड़ा होता है तो हर सीढ़ी पर आपको फिर एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, नया कुछ करने का। तो बहुत बड़ी ताकत है मकसद में। मैं पहले समझता था कि ताकत मेरे में होती, लेकिन मेरे में ताकत नहीं, ताकत मकसद में। और हमें नए भारत का निर्माण का मकसद लिख दिया है। क्या होना है क्या नहीं होना है ये तो परमात्मा जाने है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हम सब लोग इस मकसद के प्रति अपने आप को समर्पित कर दें तो भारत में क्रांति तो आ सकती। माफ करना, हम जिन उद्देश्यों के लिए काम करते हैं ना, वो बहुत छोटे हैं, उनसे उठकर ऊपर आ जाइए थोड़े से। व्यक्तिगत जीवन के लिए जीना ये लाचार लोगों की निशानी है, न तो उसमें आनंद है, न उसमें कुछ हासिल होने वाला है, न उसके लिए इंसान धरती पर पैदा हुआ। अपने लिए ही जीना होता तो परमात्मा ने हमें इंसान थोड़ी बनाया होता। जैसे ही दूसरों के लिए, जैसे ही बड़े मकसद के लिए जीने के लिए आप विचार करोगे, वैसे ही वो सब कुछ प्राप्त होगा जो प्राप्त होना चाहिए, जिसको हम इस जीवन में देखना चाहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि आज की बातें थोड़ी अलग होगी, परंतु है इसी विषय से जुड़ी हुई। और आज का ये दिन, साल का पहला दिन, और वो भी 2021 का सुबह सुबह का समय, और आपने मुझे मौका दिया है अपने दिल की बात करने का, तो मेरा दिल भी आज कह रहा है कि मैं आपसे खुल के बात करूं, और आप भी मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि आरसीएम के जो तीन उद्देश्य हैं उसमें नए भारत का निर्माण ये शाब्दिक नहीं है,
ये रियल है। चाहे तो हम केवल एक बात भी बोल सकते हैं कि आरसीएम का एक ही उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, तो भी काफी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से लोगों को चीजें इजीली समझ में आ जाए, इसलिए हम उनको तीन भागों में बांट के बोलते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, नए भारत का निर्माण। रियल सेंस में तो एक ही उद्देश्य है कि नए भारत का निर्माण। और नए क्या है? नया यही है कि जो पुरानी धारणाएं हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो हमारे घाटे का सौदा है, उसे चेंज करना है और हमें नए तरीके से, नए विचारों से, नए इरादों से, नए मकसद से जीना सीखना है, ताकि हम अपने जीवन को भी सफल बना सकें और इस देश में कुछ अच्छा कर सकें, हम उसके भागीदार बन सकें और हम अपने जीवन पर गर्व कर सकें कि परमात्मा ने मुझे इंसान के रूप में धरती पर भेजा और मैं अपनी भूमिका को ठीक ठीक निर्वाह करके और अपने जीवन का गुजारा कर सका। ये बहुत जरूरी है साथियों। घर बनाना हम कहते हैं बहुत जरूरी है, कुछ साधन होना चाहिए वो बहुत जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन को संतुष्ट तरीके से जीवें, जिससे हम संतुष्ट हो सके, जिससे हमें लग सके कि नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया है, मैंने कुछ किया है। तो आप सभी को मैं अपने दिल की बात तो कही है, लेकिन मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस नए वर्ष की। और यहां पर मैं कुछ अपने इस बात पे आ जाता हूं कि आरसीएम ने इस वर्ष को लेकर एक बहुत गंभीर गंभीर बहुत बहुत सीरियसली ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि ये वर्ष को ऐतिहासिक वर्ष बनाना है, एक नया इतिहास रचना है। मैं मजाक में या ऐसे चढ़ाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए शब्द नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सीरियसली बहुत बड़ा कुछ करना है। और इसमें दोनों ही बातों को मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक जो मैंने थोड़ी देर आपसे चर्चा की, उस विषय को भी इम्पोर्टेंस देना है, तभी बड़ा हम कर पाएंगे। और अपनी जो प्लानिंग्स है, अपना जो एक डिसिप्लिन है, हमारे जो चार्ट है, वर्क चार्ट हमारे, वो आपको डिसाइड करने ना, हमारा निश्चित होना चाहिए, अनिश्चित मत चलिए। और सब लोग बड़ा आज बहुत बड़ा दिल कर लीजिए, बड़े संकल्प कर लीजिए और ये सोच लीजिए कि हमें कुछ बहुत सारे लोगों को आगे ले जाना है। अपने लिए सोचना थोड़ा छोड़ दीजिए, इस साल छोड़ दीजिए कि मुझे बहुत सारे लोगों को आगे लेके जाना है और मेरी टीम के लोगों को भी आगे लेके जाना है और जो दूसरों की टीम के भी अगर वहां काम करते हैं और मेरे को मिलते हैं तो मुझे उनको भी आगे ले जाने में, मेरे से कोई मदद बन पड़ती तो उसको जरूर करना। पूरे आरसीएम के परिवार को बड़ा बनाना है, पूरे राष्ट्र को बड़ा बनाना है, थोड़ा सा बड़ा आज निर्णय लेना 2021 का पहला दिन, कुछ बड़ा, ये सामान्यतम रोज ही करते हैं, आज कुछ बड़ा सा एक इरादा करना है और हमारी इस वर्ष के लिए। अब मैं बिजनेस के प्रैक्टिकल बात पे आ जाता हूँ, क्योंकि मिले हैं तो थोड़ी सी बात वो भी कर लेता हूँ। आरसीएम ने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम किया है और कर रहा है, ये जानकारी के लिए दे रहा हूँ, तारीफ की नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी, आपको जानकारी में, क्योंकि हमें जानकारी होना चाहिए कि आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं। आप सब हमारी टीम है तो अपने घर में सबको पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट पे रियली रियली जो है बहुत अच्छा काम किया गया है, चलता रहेगा। मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजों पे भी काम, मतलब सारी चीजों को मजबूती प्रदान की गई है। अभी मेन प्रोजेक्ट लिया गया है आरसीएम के जो डिलीवरी सेंटर्स है उनको परिवर्तित, और उसमें आपका सहयोग चाहिए। हम आरसीएम को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आरसीएम के प्रोडक्ट नंबर वन हो
और आरसीएम के जहाँ प्रोडक्ट पड़े हो वो नंबर वन हो स्थान, और नंबर वन दिखने में भी सुंदर हो, व्यवहार में भी सुंदर हो, और वहां जाए तो लोगों को मिलना चाहिए। यार हम इतनी जगह जाते हैं लेकिन ऐसा व्यवहार कहीं नहीं मिलता है जैसा आरसीएम के जो है काउंटर पे जाके मिलता। इतने इज्जत से तरीके से बात करने वाले लोग, इतने प्रेम वाले लोग कहीं नहीं मिलते। क्या जाएगा आपके, कुछ नहीं जाने वाला हमारा, कोई पैसा नहीं लगता इन चीजों में। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोच रखा है, पर सहयोग तो आपका चाहिए इसमें, 100% नहीं चाहिए, 200% चाहिए। आप आज निश्चित करें कि इस प्रोजेक्ट में आप अपना जी जान लगा दें, और आज दिल में कोई बहुत बड़ा मकसद पैदा कर लिया, तभी तो हमारे मिलने का फायदा है। बाकी तो यूं मिलते रहेंगे, पर आज का दिन क्यों, परमात्मा ने चुना ना, हमने और आपने थोड़ी चुना। मैंने थोड़ी सोच रखा था 15 दिन पहले कि भाई आज मिलेंगे, या आपने भी नहीं सोच रखा होगा, ये तो परमात्मा व्यवस्था ही करता है। तो परमात्मा ने तो एक मकसद से व्यवस्था ही करी है, और उस मकसद को हमें समझ कर आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बनाना है। आज आपके डिसीजन से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आप इस देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट आप सोच सकते, आपका एक डिसीजन बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। तो आज आप कुछ बड़ा निर्णय लें, और आरसीएम के जो भी प्रोजेक्ट है उसको अपना प्रोजेक्ट माने, क्योंकि आरसीएम की जो प्लानिंग है ना वो बड़ी है। तो और आप हम सब मिलकर तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आरसीएम, और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय आरसीएम सर, बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत ही आज आशीर्वाद मिला सर का, और बहुत आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज जो सर ने बातें कही, मतलब जीवन के अंदर मकसद बना लेना चाहिए, लाइफ का एक मकसद होना चाहिए। जैसे सर ने अपनी स्टोरी के माध्यम से कहा कि सर ने अपना मकसद बनाया, तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मतलब जो है सच्चाई ईमानदारी से जो मकसद बनाया, उस मकसद की वजह से ही आज पूरे हिंदुस्तान में एक बाहर आ रही है, और नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा पे शुरू से ही सर ने काम चालू किया, और आज की जरूरत बन गया है स्वास्थ्य रक्षा, और बदलाव की जरूरत है, हमें बदलना है, सबके लिए काम करना है, और बिल्कुल सोच को जैसे सर ने कहा कि बहुत बड़ा करके चलना है हमें हमें तो सर आज की बातें, तो सर ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है, आज की बातें ऐसी लगी हमें जो जीवन को चेंज करने वाली बातें, और बिजनेस को तो खैर उसके पीछे जो आपने बहुत ही मतलब मुझे भी जो लगा कि बिजनेस तो बाद मतलब बिजनेस तो हो ही जाएगा यदि हम अपने आप को ऐसा बना ले, तो हमें ऐसा बनाना भी है। और 2021 खास है, रचना महा इतिहास हम रचेंगे, और मकसद है हमारा भी कि दूसरों की भलाई करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरों की अच्छी दूसरों के बारे में अच्छा सोच के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और बिल्कुल सर हम ऐसा ही करेंगे। सर के सिद्धांतों पे हमें पूरा खरा उतरना ही है, और बेसिकली ये नींव है जो सर ने आज हमें बातें कही कि बिजनेस तो बड़ा अपने आप ही हो जाएगा जब हम ऐसा करेंगे, तो हम वो नींव पे काम करेंगे और इमारत तो बहुत बड़ी बनेगी जैसे सर ने हमें समझाया। तो ये बात सर बहुत ही मतलब आज आपका आशीर्वाद मिला 2021 के लिए, आज हम भी प्रण करते हैं कि जितना भी बन पड़े हमारा मकसद आपके मकसद के साथ रहेगा, और आपके मकसद के साथ ही चलेंगे, और जैसे कि आपके जो सिद्धांत है उन पे हम चलेंगे, और